सबसे पहले ये भाई साहब, चूंकि इनका चेहरा थोड़ा सा अमित शाह जी से मिलता जुलता है। क्यों आया? यहाँ की सरकार लाया है, यहाँ की सरकार लेके आया है। ओला उबेर बाहर की सरकार नहीं है, यहाँ की लेके आया है। किया है कि नहीं किया है? ओनली फॉर मोदी चाहिए। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। उन्होंने विकास भी बहुत अच्छा किया है। गांधीनगर बोलो, पूरे गुजरात बोलो या पूरा देश बोलो, बिजली पानी कितना दिन फ्री देंगे? कितना दिन फ्री देंगे? केजरीवाल वो तो सब बोलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वो तो मोदी जी ने नया दिलवाया हो भाई को। अरे मोदी जी ने दिया क्या? क्या पूरे के पूरा सीट 180 पूरे पूरे कोशिश करेंगे कि बीजेपी को पूरा पूरा सीट। केजरीवाल मुर्दाबाद। और कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कहीं कहीं सुनने में ये भी आता है कि ऑटो वाले लोग जो है भाड़ा कुछ और बताते हैं, लेते कुछ और है, उस पे क्या करना? कोई भी ऑटो वाला गड़बड़ी करता है, कोई भी फोर व्हीलर वाला गड़बड़ी करता है, तो कायदे से आप लोग भी उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अभी तक हमारे लिए अच्छा लालू जी ने किया था और उससे पहले पासवान जी ने किया था। अभी मैं देश के एक 5-स्टार रेलवे स्टेशन पे हूँ जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, और सामने देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है एक 5-स्टार होटल है, और पूरा 5-स्टार व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन पे है। और रेलवे स्टेशन का ये सारा एरिया है, आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आगे चलेंगे हम लोग और रेलवे स्टेशन पे जो ऑटो ड्राइवर होते हैं उनसे इस स्टेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो 2020 में बन के तैयार हुआ। और इस प्रकार का अनेकों रेलवे स्टेशन जो है देश में बनने वाला है, जैसे दिल्ली में, पटना में और भी सारे जगहों पे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन जो है वो सरकारी है और ऊपर 5-स्टार होटल जो है वो प्राइवेट है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में गुजरात के लोगों का मूड क्या है, इस चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, केजरीवाल भारी पड़ेंगे, कांग्रेस भारी पड़ेगा या बीजेपी कंटिन्यू करेगा। चलते हैं। 5-स्टार रेलवे स्टेशन के ये 5-स्टार ऑटो चालक हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव है और चुनाव में इन लोगों का मत और मूड जो है किसके तरफ से है। सबसे पहले ये भाई साहब, चूंकि इनका चेहरा थोड़ा सा अमित शाह जी से मिलता जुलता है, क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। अच्छा, ये 5-स्टार रेलवे स्टेशन है ना? 5-स्टार रेलवे स्टेशन। तो आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, तो आप ऑटो चलाते हैं तो आप लोगों का समस्या जो है इस चुनाव में क्या क्या है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम टकाटक, एकदम टकाटक। किसके तरफ आप लोग जा रहे हैं इस बार? ओनली फॉर मोदी जी। ओनली फॉर मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? सरकार अच्छी है उनकी, सरकार अच्छी है। और उन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है कि नहीं किया है? ओनली फॉर मोदी चाहिए। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। उन्होंने विकास भी बहुत अच्छा किया है। गांधीनगर बोलो, पूरे गुजरात बोलो या पूरा देश बोलो, मुझे बीजेपी की सरकार इतनी अच्छी है कि बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो अच्छा, वाले के लिए केजरीवाल बहुत सारा घोषणा कर रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, ओनली फॉर मोदी जी रहे, शांति से दो रोटी मिले, बहुत है, चैन से खाए। अमित शाह हमको मिल गया है, मिनी अमित शाह ये, और ये हमको 5-स्टार रेलवे स्टेशन के सामने मिले हैं, बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मोदी जी चाहिए। हाँ, आ जाइए, अरे भागना नहीं है, अरे सबको मौका देंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सबको देंगे, आप भागोगे तो भी हम पकड़ेंगे। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो बस इस बार किसके तरफ आप लोग जा रहे हैं? मोदी तरफ ही। मोदी तरफ। इसमें कोई दूसरा पार्टी के तरफ है कि नहीं है? कोई नहीं, सब मोदी तरफ ही है। क्या? बीजेपी, ओनली गुजरात, पूरा इंडिया में बीजेपी होनी चाहिए बस। जितना ऑटो वाले हैं सब बीजेपी, सबको, सभी, सब हम सभी। केजरीवाल तो ऑटो वाले से मिल रहे हैं? नहीं, कोई नहीं चाहिए, कोई फोकट की रेवड़ी चाहिए ही नहीं, ओनली फॉर बीजेपी ही चाहिए। तो बिजली पानी फ्री में कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी भी बिजली पानी कितना दिन फ्री देंगे? कितना दिन फ्री देंगे? वो तो केजरीवाल बोलते हैं, वो तो सब बोलते हैं, चुनाव वादा सभी बोलते हैं। कितना दिन देंगे? कितना दिन? 10 दिन, 15 दिन। वो अपना मालिक थोड़ी ना है, अपने खुद अपना मालिक है। और सबसे बड़ा इस बार सबसे बड़ा मालिक किधर जा रहा है? कौन? बीजेपी। मैं खाली दो ही उंगली दिखाऊंगा कि ओ इंसान भी समझ जाएगा दो उंगली कौन दिखाता है, पता है ना? बीजेपी मोदी सरकार, जहाँ वो खड़ा रहता है ना वहीं से लाइन शुरू होती है। वो बच्चन जी ने कहा था कि हम जहाँ खड़े रहेंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। अपना मोदी जी है, वहीं से ही लाइन शुरू होगी। किसी की ताकत नहीं कि मोदी को झुका सके। वो कहते हैं कि हम दे बिजली देंगे, हम इतना करेंगे, फिर चुनाव होने के बाद कोई पूछने नहीं आता है। वो तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता भैया।
अच्छा, आप लोगों का गैस वैस का दाम बढ़ गया है जो गैस पे? अरे आज महंगाई बढ़ती है, ऐसे बढ़ने वाला ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगा। अपने समय के हिसाब से सब बढ़ता है, उससे कोई लेना देना नहीं। किराया भी बढ़ता जा रहा है, ये गैस के दाम से हिसाब से किराया भी बढ़ता जा रहा है। सामने कमाई भी तो बढ़ रही है, उसमें क्या दिक्कत है? सामने कमाई भी तो है ऐसी, वो गैस का दाम तो हर साल बढ़ने लगता है। कि अमित शाह जी अपना एगो प्रवक्ता जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया है और ये सबके लीडर लग रहे हैं। ये लीडर है ना? हम लीडर, हाँ सबके लीडर है, सबके लीडर। ये तो हमारे लीडर गिनो, भाई गिनो, भाई जैसे बड़े भाई है हमारे। अच्छा बड़े भाई, ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। दो बच्चे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना? लगना चाहिए, जरूर जरूर लगना चाहिए। अच्छा, उससे क्या क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा देश की, एक तो जनता नियंत्रण में रहेगी, ठीक है, जो अपने देश की। अच्छा, आप गुजरात में दंगा उंगा होता है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होता कुछ नहीं, 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 नहीं होता नहीं। तो हम बीजेपी सरकार मांग रहे हैं, इसी भी लिए तो हम बीजेपी सरकार। लड़की भेज दो कहीं भी तो अभी उसको घर सुरक्षित पहुंचेगी आपको, वो भी है बात है। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन बना कब? ये सुंदर फाइव स्टार, ये 2020 में बना। 2020 में, मतलब दो साल पहले? दो साल पहले बना। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन पे कितनी गाड़ियाँ आती है? अभी तो छह आती है। अभी छह आती है। छह सात गाड़ियों से आप लोगों का काम चल रहा है? हाँ, हमारा पेट भर जाता है। वो तो मोदी जी ने नया दिलवाया हो भाई को। अरे मोदी जी ने दिया है क्या? नहीं। कोई देखो, कोई कुछ नहीं देता, मेरी बात सुनो, कोई कुछ नहीं देता, लेकिन यही है, सब अपनी मेहनत का कमाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके ऑटो पे और इनका नया चकाचक ऑटो है। और ऐसा जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इनको जो है ऑटो जो है मोदी जी ने दिलवाया है। अच्छा, इसके आरसी पे आपका नाम लिखा हुआ है कि मोदी जी का नाम लिखा? मेरा नाम लिखा हुआ है। आपका नाम लिखा हुआ है। कितने में खरीदे थे? देखिए, इनको दाम नहीं पता है, यानी मोदी जी ने दिलवाया है। एक लाख पचानवे हजार का ऑटो है नया। 2019 में लिया था। 2019 में, मतलब रेलवे स्टेशन बनने से जस्ट पहले इन्होंने ऑटो लिया। स्टेशन तो चालू है, ये तो खाली फाइव स्टार रेलवे स्टेशन बनने से पहले। ये तो होटल है, ये तो होटल है, रेलवे स्टेशन ऑटो ऑटो ही नहीं। ड्राइवर तो सब पुराने हैं, 15-15, 20-20 साल पुराने हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी कितना इनकम हो जाता है आप लोगों को? हो जाता है 1500-1700-2000 तक पर डे। ये देखिए, 1500-1700 पर डे हो जाता है इन लोगों को इनकम। एक बार इनकम टैक्स का रेट जो है इनके घर पे भी पड़ना चाहिए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, 45-50 हजार रुपया महीना कम। उसमें भी मोदी जी के लिए टैक्स देने के लिए हम लोग ऑटो वाले तैयार है। रात का पूरे के पूरा सीट 180, पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी को पूरा पूरा सीट मिले, पूरा पूरा, पूरा के पूरा मिले। चलिए, ये लोग ऑटो ड्राइवर हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो एक फाइव स्टार रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर जो है फाइव स्टार होटल है, वहाँ के हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी, कोई केजरीवाल का समर्थन है, समर्थक है यहाँ पे? कोई कांग्रेस का? क्या क्या? मुर्दाबाद केजरीवाल, केजरीवाल मुर्दाबाद। और कांग्रेस? जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए अमित शाह, अमित शाह जी लेके जाइए इसको। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आना। क्या नाम हुआ चाचा? अब्दुल अमीर। क्या नाम हुआ आपका? अमजद। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो वाले का मेन समस्या क्या है? मेन समस्या जो ऑनलाइन पर उबेर ओला चल रही है, इससे हमारे को बहुत समस्या है। अच्छा, इससे ऑनलाइन से समस्या क्यों है? जो भी है, जब बाहर की विदेश वाली कंपनी को सब दे रहे हैं, यहाँ के गरीब इंसान क्या करेगा, मजदूर इंसान। अच्छा, कहीं कहीं सुनने में ये भी आता है कि ऑटो वाले लोग जो है भाड़ा कुछ और बताते हैं, लेते कुछ और है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? ऐसी गलत बात नहीं है, कोई सौ में एक सारे जगहों पे होता है, सब जगह होता है, सौ में एक आदमी एक ऐसा होता होगा। नहीं नहीं, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, जो गरीब मजदूर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। रेगुलर स्टेशन का होगा वो नहीं करेगा, कहीं कोई बाहर का आ गया हो वो करे, बाहर का जो आ गया वो करेगा। अच्छा, इस बार गुजरात चुनाव में ऑटो वाले का मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा तो यही है, हमारे को तो कोई भी सरकार, हमारे को तो ये ऑनलाइन जो है ना, ये बंद होनी चाहिए, ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि गैस पे भाव कम होना चाहिए, उसके हिसाब से गैस 90 रुपीज गैस हो गया है। आप भी ऑटो चलाते हैं जी भाई? क्या बात करो ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? करो करो, मैंने क्या बात करनी है, बोलो बोलो। अच्छा, क्या क्या समस्या है आप लोगों का? हमारा तो बहुत कुछ समस्या। क्या समस्या है? सबसे बड़ा तो सीएनजी का, गैस का किराया, गैस का भाव बढ़ा दिया है। अच्छा, वो भाव कम कैसे होगा? वो तो सरकार जाएगी तो होगा ना सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। दो बच्चे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए एकदम, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा
तब जनसंख्या नियंत्रण में आएगा, और जनसंख्या नियंत्रण में आएगा तभी देश का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी और महंगाई पे कुछ कंट्रोल होगा, वरना नहीं हो सकता है। अच्छा, ऑटो वाले के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए? कुछ करते ही नहीं, तो क्या करते ही नहीं है कुछ सरकार, एक दो काम बताइए। कुछ भी नहीं करती। ऑटो वाले धंधा खराब कर दिया, ऑटो वालों का ओला उबर वाले धंधा खराब कर दिया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ओला उबर वाले को आप लोग दोषी ठहराते हैं, लेकिन ओला उबर आया क्यों? आया क्यों? क्यों आया? यहाँ की सरकार लाया है, यहाँ की सरकार लेके आया है ओला उबर, बाहर की सरकार नहीं है, यहाँ की लेके आया क्या? ब्लैक पैसा वाइट हो रहेगा, ब्लैक पैसा। ठीक है, ओला उबर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए। अगर कोई भी ऑटो वाला गड़बड़ी करता है, कोई भी फोर व्हीलर वाला गड़बड़ी करता है, तो कायदे से आप लोग भी उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। स्टेशन पे हो सकता है, बाकी बाहर तो नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? वैसे वैसे लोगों को जो गलत करे उसके ऊपर कायदे से होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे बाहर से जब लोग आते हैं तो वो लोग इस वजह से भी डरते हैं कि हम लोग ऑटो वाले पे बैठेंगे, ऑटो वाले आगे ले जाके जो है हमसे बेवजह ज्यादा भाड़ा लेंगे। हम किसी की तरफ से नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा। अच्छा, कौन सा पार्टी आप लोगों के लिए अच्छा करेगा? अभी तक हमारे लिए अच्छा लालू जी ने किया था, और उससे पहले पासवान जी ने किया था, और अभी जो बीजेपी चल रही है हमारे लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। अब मतलब करेगी बीजेपी हमारे लिए कुछ सोचेगी तो हम बीजेपी को देंगे, जो हमारे लिए सोचेगा उसके लिए हम सोचेंगे। तब किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों बनेगी? उसकी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जो काम करता है वो दूसरा काम नहीं करता है ना। ये देखिए, ये बीजेपी बोल रहे हैं, आप केजरीवाल बोल रहे हैं। वो उनकी मर्जी है, कुछ भी बोले, हम उनकी मर्जी के मालिक हैं, हम हमारी मर्जी के मालिक है, वोट हमारा, हमको देना उनको। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या क्या होगा गुजरात में? विकास। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं देश में? वो तो जनसंख्या तो खुद ब खुद लग जाएगा, जब भूखे मरेंगे तो वो खुद ब खुद एक ही पैदा करेंगे, वो थोड़ी कोई दस पैदा करेंगे, वो जमाना गया, अभी शिक्षित लोग हैं सारे। नियम लगना चाहिए कि नहीं? नियम ही है अभी भी, और नियम तो लग जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस 5-स्टार रेलवे स्टेशन से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। कब डालोगे सर बताना?